हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली 5 बजे यहाँ पर आपका UPSI का मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है, जो कि आपकी हिंदी का मॉडल पेपर है। डेली यहाँ पर शाम को 5 बजे आपका टेस्ट होता है, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन आपका नहीं जाता है तो भी यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये लगातार क्लासें हैं। और अगर आपको कुछ ज्ञान लेना है तो आपको नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। टाइम टेबल जब फिक्स है तो आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप डेली का डेली 5 बजे यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं और अपनी क्षमता को यहाँ पर जान सकते हैं कि कितनी आप लोगों की तैयारी है, ठीक है। और जिस भी प्रकार के टॉपिक में समस्या होती है तो उसको खुद से ज़्यादा प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। क्या दिया गया है? जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आपका ए नंबर कह रहे हैं सर्वज्ञ होगा। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, सर्वज्ञ होगा, सर्वज्ञ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। कह रहे हैं रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प आपको बताना है। कह रहे हैं बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। तो देखो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रेखांकित बोला गया है, एकमात्र सहारा जो होता है उसे अवलंबन बोलते हैं। क्या ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, अवलंबन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके हिरण का समानार्थी क्या होता है। हिरण का समानार्थी क्या होता है? कुरंग होता है, तरंग होता है, नंदन होता है या अम्बुद होता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका, देखो यहाँ पर तरंग नहीं होता है, कुरंग होता है। क्या? कुरंग होता है। याद रखिएगा, जो हिरण होता है ना, ये बहुत ही कुरंग, जैसे आपका मान लीजिए जो आपका 12 सिंघा होता है ना, देखने में बहुत कुरूप टाइप का होता है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो इससे याद रखिए कुरंग आपका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? भगवती चरण वर्मा का पूछा गया है, तो आपको पता होगा कि आपके चित्रलेखा ये तो आपका है ही, भूले बिसरे चित्र भी है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी है, और आपका जवाब है क्या? डी। ये सभी आपके किसके हैं? भगवती चरण वर्मा के हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप आपका है। ये बताइए अट्टालिका जो तद्भव रूप है किसका होता है? अट्टालिका यहाँ पर जवाब आ रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत ही फास्ट में आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर आपका ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। तो देखो यहाँ पर अट्टालिका होता है अटारी का, है ना। क्या जवाब बन जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, अटारी का होता है अट्टालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 6 नंबर में, प्रेमचंद के उपन्यास में आप देखा होगा, पढ़े भी होंगे कि सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, है ना, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, ये सभी क्या है? ये सभी आपकी जो रचनाएं हैं वो आपकी किसके हैं? आपके प्रेमचंद के हैं, जो कि क्या क्या है? उपन्यास हैं, सभी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर देखो दिया गया है सर्वनाम के भेद का सही विकल्प। क्या दिया है? घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। यहाँ पर फोकस किया गया है किस पर भाई? किस पर फोकस किया गया है? अपने आप पर फोकस किया गया है ना, अपने आप। और अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है निजवाचक। क्या होता है? निजवाचक होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। क्या विशेषण का भेद है? कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है। अब ये बताइए दिया गया है उस घर में, है ना, उस घर में, तो ये उस क्या है? क्या बनेगा? यहाँ पर देखो निश्चित दिया गया है, सार्वनामिक दिया है, निश्चित संख्या दिया, तो संख्या से क्या लेने देना, है ना। यहाँ पर गुण दिया है, इससे लेना देना नहीं है, मतलब आपका सार्वनामिक विशेषण है। क्या? सार्वनामिक विशेषण आपका जवाब बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में से क्रिया के भेद वाला सही विकल्प आपको बताना है। क्रिया के भेद में आपसे पूछा गया है क्या है? रोहन चाय पीकर बैठ गया। क्या दिया है? मोहन चाय पीकर बैठ गया। तो ये देखो दिया गया है प्रेरार्थक क्रिया, तो प्रेरार्थक नहीं है। नाम धातु पूर्वकालिक क्रिया, मतलब रोहन ने चाय पी लिया, पीकर बैठ गया, मतलब कह सकते हैं एक ऐसी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया है, जब एक क्रिया पूरी हो जाती है और फिर दूसरी क्रिया होती है चालू हो जाती है, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, है ना। एक काम समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया क्या हो गई? पहले चाय पी लिया है, अब यहाँ पर बैठ चुका है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपका राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। चलिए क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, कह रहा है कि दीर्घ स्वर से भी आपका अधिक समय लगता है। हमने बताया था कि स्वर आपके 3 टाइप के होंगे, एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है, एक होता है प्लुत होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, प्लुत स्वर होता है। कहा जाता है कि प्लुत की जो मात्रा होती है वह 3 होती है, लेकिन अब प्लुत का प्रयोग किया नहीं जाता है, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सही वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है।
तो देखो यहां पर दिया सभी वर्णों को अलग अलग क्रम में दिखाएंगे, तो क्या कर दिया जाएगा, वर्णों का विच्छेदन कर दीजिए, क्या वर्णों का विच्छेदन कर दीजिए, तो वर्ण का विच्छेदन आपका हो जाएगा, अलग अलग दिख जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, चलिए बताइएगा वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका ए नंबर। चलिए देखिए स्पर्श व्यंजन जो आपके होते हैं वो आपके का से शुरू होते हैं और आपके माँ तक शुरू जाते हैं, है ना, का से शुरू मतलब काखा गाघा अंगा, है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर आपके आपके कितने हो जाते हैं, तो इनको आप पांच वर्ग होते हैं, है ना, पचम पच्चीस, कुल मिला के कितने होते हैं, 25 आपके होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। याद रखिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इनका एक आकार बनता है 25 वर्णों का, एक वर्ग के आकार में बनता है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है, यहाँ पर देखो दिया है ए और ऐ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो देखो यहाँ पर कंठ है ना, ए और जो आपका ए और आए है कंठ और तालु से होता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कंठ तालव्य, क्या बनेगा, कंठ तालव्य बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, चलिए बताइएगा हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई गया। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 14 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है 6, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, डी नंबर। मतलब ये हुआ कि अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो सबसे पहले अगर वर्णमाला लिखा जाए तो का लिखेंगे, इसके बाद छा लिखेंगे, फिर आपका खा लिखेंगे, का खा गा घा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे कि आपके संयुक्त अक्षर होते हैं कौन, छत्रज्ञा, तो त्रा भी आपका होता है ना, तो जब टूटता है त्रा तो आपका होता है ता, इसका मतलब ता के बाद जो आपका मिलेगा वो आपका छा आपको मिलेगा, ये वाला त्रा, है ना, समझ गए होंगे ना, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किस आवेदन पत्र लिखेंगे, मतलब किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। चलिए अपने कार्यालय से अगर आपको अनुभव प्रमाण पत्र लेना है, मतलब मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको चाहिए अपना क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, है ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए, तो आप किसके पास जाएंगे, तो भाई ऑफिस में जाते हैं तो आप जाएंगे किसके, व्यवस्थापक महोदय के पास, किसके, व्यवस्थापक महोदय के पास, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। संपादक तो होगा नहीं, क्योंकि संपादक जो होता है जो पत्र वगैरह लिखा करता है, कौन पत्र, जैसे आपका अखबार वगैरह हो गया, उनका उनको संपादक बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। चलिए वही आपका पॉइंट आ गया, दैनिक हिंदुस्तान जो आपका पेपर है इसमें से संवाददाता के पद के लिए अगर आपको यहाँ पर कह सकते हैं आवेदन पत्र लिखना है तो आप क्या लिखेंगे इसमें से, तो आप लिखेंगे संपादक महोदय को, किसे, संपादक महोदय को, ऑप्शन आप पर जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है ना, यहाँ पर देखते हैं 25 से 29 में, यहाँ पर समय के बारे में दिया गया है ना, किसके बारे में, समय का आदर करना चाहिए, है ना, क्योंकि समय क्या होता है, कीमत होता है, तो समय के बारे में इसके पहले भी हमने यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़ा भी दिया था, तो देखते हैं यहाँ पर कि वीरा गद्यांश को पढ़े हुए यहाँ पर क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि समय से संबंधित क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। याद रखिएगा लगातार अगर आप गद्यांश ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे तो एग्जाम के समय आपको ऐसा गद्यांश मिल सकता है जो आपने पढ़ा लिखा होगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, समय का सदुपयोग का क्या अर्थ होता है, समय का सदुपयोग मतलब होता है उसे व्यर्थ न करना, है ना, क्या होता है, उसे व्यर्थ न करना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है छात्रों के लिए समय का उपयोग अधिक आवश्यक क्यों होता है, बताइए भाई छात्रों को समय का जो महत्व होता है वो क्यों होता है, तो यहाँ पर आपका होता है जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल हो जाते हैं। याद रखिए जो समय का उपयोग जानते हैं, समय का महत्व तो समझते हैं, वही क्या होते हैं, सफल होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पहले भी हमने गद्यांश को आपको सॉल्व करा दिया है। देखो दिया है समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, तो यहाँ पर देखिए धन वापस मिल जाएगा लेकिन समय नहीं मिलेगा, है कि नहीं, धन क्या हो जाएगा वापस मिल सकता है लेकिन समय वापस नहीं मिल सकता है, इसलिए समय क्या होता है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची है, सजगता आप लोग जानते होंगे जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है बहुत ही होशियारी से काम करता है, तो देखो यहाँ पर सजगता हो गया, होशियारी हो गई, सतर्कता भी इसी का पर्याय बनेगा और चौकन्नापन भी इसी का बनेगा, लेकिन प्रभाद इसका पर्यायवाची नहीं है, तो आपका यहाँ पर नहीं शब्द पूछा गया था, तो आपका 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, प्रभाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रभाद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक आपका पूछा गया है, मतलब आपके जो गद्यांश था उसमें से पूछा गया कि इसका शीर्षक क्या है, तो शीर्षक था छात्र जीवन से, है ना, किसे, छात्र जीवन और आपके समय से, है ना, छात्र जीवन और समय का यहाँ पर आपका शीर्षक आपका दिया गया था इस वाले ग्राफ में, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है,
चलिए अच्छा टेस्ट पेपर है। जो लोग यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, अपना सपोर्ट जरूर करते रहें। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं कि आपका होता है शब्द, कह रहा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, शब्द होती है, वर्ड होती है, अर्थ होती है, मात्रा होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर, आपका वर्ड होती है। क्या होती है, वर्ड होती है। जैसे मान लीजिए का है तो ये क्या है, एक वर्ड है ना, और आपका मतलब समझ लीजिए आपका ये मा है तो क्या है, वर्ड है, ला है तो क्या है, वर्ड है। अब इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा, है ना। तो सबसे छोटा क्या हुआ, वर्ड होती है। यहीं पर अगर एक ऑप्शन और होता ध्वनि होता तो ध्वनि आप लगा सकते थे, सबसे पहले ध्वनि लगा सकते थे, ठीक है ना। तो इस कारण से ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, चलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, ज्ञानदीप किसकी रचना है। ज्ञानदीप जो रचना है वो किसकी रचना है, 23 नंबर में, 23 का ऑप्शन बनेगा शेख नबी की है। किसकी है, ज्ञानदीप जो रचना है वो आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा, शेख नबी की रचना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रामचंद्रिका की रचना किसने की है। रामचंद्रिका आपका दिया गया है, वैसे देखा जाए इसमें से टाइपिंग में गलतियाँ हैं, ये टाइपिंग में यहाँ पर गलती है, वैसे शुद्ध होना चाहिए क्या, रामचंद्रिका होना चाहिए, ठीक है, रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका है केशव दास की, तो केशव से आपका केराब लिखा है। अगर यहाँ पर वास्तविकता देखा जाए, वैसे हमने इसको सर्च किया है तो ऐसी कोई रचना नहीं है रामचंडिका, है ना, रामचंडिका नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर इसका केराब दे रहा था, तो ऐसी कोई रचना नहीं है, तो इसका मतलब है टाइपिंग में आपका गलती हो गया है। यहाँ पर आपका रामचंद्रिका होगा, और यहाँ पर केशव क्या हो जाएगा, केशव आपका होना चाहिए। यहाँ पर जो रा है ना, इसमें इस डंडी लगा देते तो बन जाता, तो रामचंद्रिका केशव आपको लगाना है, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है। अगला क्वेश्चन दिया है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर जवाब दीजिएगा साथियों जल्दी से जवाब दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ग्राम, बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर काफ़ी लोग बिल्कुल से एक्टिव हैं इस प्रश्न में, और तैयारी को लेकर अपनी तैयारी और वर्दी पाने के लिए बिल्कुल से एक्टिव रहते हैं, बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखो, क्वेश्चन दिया गया था जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है। सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना पूछा गया है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा डी, प्रवाद पर्व। क्या है भाई, ये प्रवाद पर्व है, सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना मिलेगी आपकी प्रवाद पर्व में, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है, जो शुद्ध है उस पर आपको निशान लगाना है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो दिया गया, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ध्यान देने की कृपा करें। अच्छा, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, देखिए ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर बी वाले में देखिए, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर चल रहा है, सब कुछ वाइस क्लियर है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको बताना है, वो भी कैसा, काल वाला विकल्प आपको बताना है, यहाँ पर काल पूछा गया है। इसलिए कह रहे, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, है ना। तो मतलब यहाँ पर यह हुआ कि भूतकाल का है ना, ये समय बीत गया है, और हेतु आपका हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेतु मद भूतकाल, है ना, क्योंकि गाड़ी छूट गई है ना। अगर ना छूटने वाली बात होती तो भी हम लोग भविष्य में पहुंचते जाए, लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं है, तो ऑप्शन का हो जाएगा बी, हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो पक्ष के भेद का सही विकल्प दिया गया है। कह रहे अब सीमा चलने लगी, ये बताइए अब सीमा चलने लगी यहाँ पर क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका 29 नंबर में यहाँ पर जवाब दीजिएगा थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पर दिया गया क्या, प्रगति बोधक दिया गया है, आसंशय घोतक दिया गया है, पूर्ण घोतक दिया गया है, और आपका सात बोधक पक्ष दिया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा आरंभ, क्या निकलेगा यहाँ पर जो आपका जवाब है, यहाँ पर जो आपका दिया गया है 29 नंबर में, वो आपका होना चाहिए वैसे आरंभ बोधक होना चाहिए। इसका जो जवाब बनना चाहिए वो आपका होना चाहिए आरंभ घोतक, क्या होना चाहिए, आरंभ घोतक होना चाहिए, क्योंकि घोतक है तो आपका यहाँ पर आरंभ घोतक होना चाहिए, शुद्ध ऑप्शन में इस प्रकार से होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, आशंसय दिया है, इसकी जगह आपका आरंभ हो जाना चाहिए, नहीं लिखा है मैंने आपको बता दिया, इसका जवाब क्या हो जाएगा आरंभ घोतक हो जाएगा, रट लीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, देखो जो भी गलतियां होती हैं उसको हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो। चलिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को चयन करना है जो सही वृत्ति आपको दे, जो वृत्ति के सही भेद हैं। कह रहे जरा मेरी सहायता कीजिए, क्या दिया है, जरा मेरी सहायता कीजिए, तो यहाँ पर कह सकती है क्या हो जाएगा, विध्यर्थ बनेगा, निश्चार्थ बनेगा, संदेहार्थ बनेगा, या संकेतार्थ बनेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा विध्यर्थ, क्या हो जाएगा, जरा मेरी सहायता कीजिए, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन दिया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था।
अमीर खुसरो के बारे में सभी को पता होगा कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 31 नंबर में, पटियाली है ना। पटियाली आपका होता है यहाँ पर, पटियाली होगा, पटियाली और एटा होगा है ना। तो यहाँ पर देखिए पटियाली होगा, इसका ऑप्शन बनेगा पटियाली। यहाँ पर एरियाली लिखा है ना, वो एरियाली नहीं है, वो पटियाली है, याद रखिए पटियाली है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि किसी अक्षर या शब्द का शब्द पर विशेष बल देने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिए किसी अक्षर या शब्द पर जब विशेष बल दिया जाता है, मतलब उस पर विशेष तरीके से फोकस किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, इकहरा। इकहरा क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है। क्या, इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। जैसे कोई वर्ण लिखा हो गया है ना, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से लगा देते हैं। जैसे दिया है आंख का पर्यायवाची, तो यहाँ पर देखो इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है, तो इसी प्रकार पूरे में फोकस कर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए देखो आंख के पर्यायवाची में लोचन होता है ना, नयन होता है, और क्या हो जाएगा, आंख का आपका देखो लोचन, नयन, नेत्र, क्षुद्रग, अचि है ना, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब डी नंबर शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होता, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका नेहा भी होगा, लोचन, नेहा, नयन वगैरह ये सब आपको होते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो हो सकता है कि नेहा ना हो, यहाँ पर नेत्र हो है ना, क्या हो, नेत्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि टाइपर वाले ने आज लगता है सो कर ये टाइपिंग किया है टेस्ट पेपर में है ना, टाइपिंग वाला लग रहा था सो रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, नयन हो जाएगा, लेकिन शून्य नहीं होता है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। चलिए तत्सम शब्द की पहचान करिए। चलिए अगर टीचर अच्छा ना हो तो लगता है कि क्वेश्चन को पूरी तरीके से गलत ही हो जाएगा है ना। तो चलिए भाई यहाँ पर तत्सम शब्द की पहचान करना है, आंत तो होगा नहीं, क्यों, जहाँ पर चांद की बिंदी होती है वो आपका तद्भव होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है तद्भव शब्द की पहचान करना है, तद्भव शब्द बोला गया है, तो भाई तद्भव शब्द आपका गरगर है ना, ये तो आपका है नहीं है, ये तो आपका है नहीं है, फिर कौन सा हो जाएगा, गंभीर है, मृज है, यहाँ पर गलना, गलना जो आपका दिया है वो आपका कैसा है, ये आपका जो आपका है कैसा है, तद्भव शब्द आपका है गलना, ठीक है ना। इसका जो तत्सम होता है वो गलन होता है, क्या होता है, गलन होता है, गलन, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है विलोम शब्द का, विलोम शब्द अक्षर का, मतलब कह सकते हैं विलोम शब्द अक्षर का, ये कह सकते हैं कि अक्षर का विलोम शब्द बताइए, अक्षर का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्षर हो जाता है, क्या हो जाता है, क्षर हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा। इति का अत होता है ना, इति का क्या होता है, अत होता है। अल्प क्या होता है, अधिक होता है, या कह सकते हैं बहुत हो जाएगा है ना। और अल्पस्क दिया है, वैसे अल्पज्ञ होता है, अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ हो जाएगा, ठीक है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है देश प्रेम में समाज पहचानना है, देश प्रेम में आपको पहचानना है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा देश प्रेम में समाज कौन सा है, तो 37 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा देश के लिए प्रेम, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास है, क्या है, तत्पुरुष समास, इसका जवाब आपका हो जाएगा देश से प्रेम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया हुआ स्त्री जिसका पति आने वाला हो, देखो आने वाला होता है तो क्या हो जाएगा, आने वाला है तो बोलेंगे आगमिष्यति पतिकः है ना, आने वाला जो पति है उसे बोलेंगे, ऑप्शन ए आपका जवाब राइट हो जाएगा, जिसका पति यहाँ पर आने वाला होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर याद रखिए जिसकी इच्छा की गई हो उसे बोलते हैं ईप्सित, क्या बोलते हैं, ईप्सित कहते हैं। यहाँ पर देखो ईर्ष्या दिया है, ईर्ष्या मतलब क्या होता है कि दूसरों की उन्नति को ना देख पाना है ना, दूसरों को उन्नति को ना देख पाना, वही तो बोलते हैं ईर्ष्या। फिर दिया गया है ईशान, ईशान मतलब होता है पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसे बोलते हैं ईशान बोलते हैं है ना। यहाँ पर दिया इतिवृत्त, इतिवृत्त क्या होता है कि नई घटनाओं को कालक्रम से किया गया, कोई अगर घटनाएं हैं उनको कालक्रम से व्यवस्थित कर दी जाए उसे बोलते हैं इतिवृत्त बोलते हैं, समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर देखो 40 का जवाब आया नहीं है, 40 क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन कुछ कुछ 40 का जवाब भी दे रहे हैं, चलिए बहुत बहुत बढ़िया है। फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसे क्या बोलते हैं, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि जो फेंक कर चलाया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं। इस प्रश्न में काफ़ी लोगों को यहाँ पर संशय भी है, इसका जवाब क्या बनेगा, तो सब लोग भाई इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देखते हैं कि किसका इस प्रश्न का जवाब सही निकलेगा, वो भी आपको ऑफलाइन कमेंट करना है, कैसा ऑफलाइन आपको कमेंट करना है।